Hello guys, warmest, warmest welcome. This is Himanshu and you are watching Himanshu Chitranshi YouTube medium of knowledge and education. मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, जो लोग आज सुबह से मैंने बोला था वेट कर रहे थे, तो आज पहला लेक्चर आपके लिए मार्केटिंग मैनेजमेंट से रिलेटेड है. बेसिकली ये जो मार्केटिंग मैनेजमेंट है, बेसिकली सभी कोर्सेज में पढ़ाया जाता है, चाहे वो MBA हो, BBA हो, या फिर सम पार्ट ऑफ 12th का कॉमर्स के जो BST की बुक है उसमें भी थोड़ा सा पार्ट मार्केटिंग मैनेजमेंट से है. तो हम आज इसी कॉन्सेप्ट को स्टार्ट करेंगे फर्स्ट डे, और देखेंगे कि मार्केटिंग मैनेजमेंट का इंट्रोडक्शन बेसिकली क्या कहता है, और मार्केटिंग मैनेजमेंट में कौन कौन सी चीज़ें हैं जिसके लिए हमें अपना कॉन्सेंट्रेशन थोड़ा सा चाहिए, और कौन कौन सी चीज़ें हमें समझनी हैं इसमें. तो स्टार्ट करेंगे मार्केटिंग मैनेजमेंट, और मार्केटिंग मैनेजमेंट के बारे में जानेंगे. सी गाइस, मार्केटिंग मैनेजमेंट जो है वो बेसिकली कोई एक पढ़ाई नहीं है, राइट. ये एक ऐसा टर्म है जिसको हम अपने डेली लाइफ में रेगुलर यूज़ करते हैं, चाहे वो पतंजलि आयुर्वेदा का पेस्ट खरीदना हो, अपनी किसी चीज़ को दूसरों को दिखाना हो, अपनी किसी चीज़ को दूसरों के सामने प्रेजेंट करना हो. एवरीथिंग इंक्लूड इन मार्केटिंग, राइट. सो मार्केटिंग इज़ नथिंग बट ए कॉन्सेप्ट वेदर पीपल और अ इंडस्ट्री और अ बिजनेस फर्म शोइंग देयर कैपेबिलिटीज इन फ्रंट ऑफ द नीडी. सो द नीडी is able to understand what is the basic what is the basics behind that. और किसी भी product का basic जाने बिना आप उस product को buy बिल्कुल भी नहीं करेंगे, right. तो सबसे बड़ी बात यह है कि आप उस product को कितना जानते हैं, उस product को कितना पहचानते हैं. जिस product के बारे में आप लोगों को नहीं पता होता है उसमें marketing involve होती है. ये marketing का term आया क्यों, सबसे पहली बात तो ये है. तो इस बारे में हम धीरे धीरे और जानेंगे. सबसे पहले मैं आपको ये बता देता हूँ कि मार्केटिंग का टर्म आया क्यों. गाइस, मार्केटिंग में जैसे जैसे मार्केट में आपका वो बढ़ता गया, कंपटीशन बढ़ता गया, और उस कंपटीशन के बढ़ने से जो चीज़ें देखने को मिली वो मार्केटिंग ने सुलझाई. बेसिकली मार्केटिंग कोई एक पढ़ाई नहीं है, मार्केटिंग इज़ अ प्रैक्टिकल थिंग जिसको आप ऑब्जर्व करके और अपने प्रोडक्ट पे अप्लाई कर सकते हैं, अपने कस्टमर्स को समझ सकते हैं और अपने कस्टमर को जान सकते हैं. तो आइए थोड़ा सा डेफिनेशन देखते हैं मार्केटिंग की, कि मार्केटिंग की डेफिनेशन क्या कहती है. मार्केटिंग इज़ अ मैनेजमेंट प्रोसेस दैट आइडेंटिफाइज, एंटीसिपेट एंड सेटिस्फाइड कस्टमर रिक्वायरमेंट प्रॉफिटेबली. इस डेफिनेशन का बेसिक मतलब ये है कि मार्केटिंग इज़ अ मैनेजरियल प्रोसेस, एक प्रबंधकीय प्रक्रिया है, एक मैनेजरियल प्रोसेस है, और इसमें जो है वो आइडेंटिफाई किया जाता है किसको, एंटिसिपेट कस्टमर को, जो कस्टमर को सेटिस्फाई करने की कोशिश की जाती है बेसिकली. तो मार्केटिंग एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें कस्टमर को पूरी तरह से सेटिस्फाई करने के लिए ट्राई किया जाता है, और ये जो डेफिनेशन है वो दी थी चार्टर्ड इंस्टीट्यूट ऑफ मार्केटिंग ने. जो बात है मार्केटिंग की वो क्या कहती है, द राइट प्रोडक्ट इन द राइट प्लेस. किसी भी सही प्रोडक्ट को सही प्लेस पे पहुंचाना, राइट. अब यहाँ पे गाइस एक बात बहुत अच्छी तरह से समझने वाली है कि किसी भी प्रोडक्ट को किसी राइट प्लेस तक कैसे पहुँचाया जाए. राइट प्लेस टू राइट प्रोडक्ट, कोई सही प्रोडक्ट वो उसी को मिलना चाहिए जिसको इसकी ज़रूरत है. तो मार्केटिंग इज़ बेसिकली आइडेंटिफाइड दी रिक्वायर्ड एंड नीडी कस्टमर जिसको इस प्रोडक्ट की ज़रूरत है, जो इस प्रोडक्ट को एक्चुअली में बाई करना चाहता है, एक्चुअली में ख़रीदना चाहता है, एट द राइट टाइम, एक सही समय पर एंड एट द राइट प्राइस. सो बेसिकली मार्केटिंग इंसिस्ट द राइट प्रोडक्ट इन अ राइट प्लेस एट अ राइट टाइम एंड एट अ राइट प्राइस. किसी सही कीमत पर, एक सही स्थान पर, एक सही वस्तु किसी
ज़रूरतमंद कस्टमर को जब बेची जाती है उसमें मार्केटिंग इन्वॉल्व होती है। अगला मार्केटिंग की डेफिनेशन जो यहाँ दी गई वो कोटलर ने दी थी, फिलिप कोटलर ने 1980s में। मार्केटिंग इज़ अ ह्यूमन एक्टिविटी डायरेक्टेड एट सेटिस्फाइंग ह्यूमन नीड एंड वांट्स थ्रू एन एक्सचेंज प्रोसेस। अब गाइज यहाँ पे कुछ चीज़ें समझने लायक हैं कि एक्सचेंज प्रोसेस क्या होता है, मींस एक हाथ से दीजिए और दूसरे हाथ से ले लीजिए। तो कोटलर का सीधा सीधा मतलब ये था कि मार्केटिंग कुछ नहीं है, बस एक ह्यूमन एक्टिविटी। मैंने आपको शुरू में ही बोला था कि मार्केटिंग कोई पढ़ाई नहीं है, लेकिन मार्केटिंग को समझना बहुत ज़रूरी है, मार्केटिंग को अंडरस्टैंड करना बहुत ज़रूरी है, मार्केटिंग के अंदर जाकर मार्केटिंग को अच्छी तरह से ऑब्जर्व करना बहुत ज़रूरी है। तो मार्केटिंग बेसिकली क्या है, मार्केटिंग एक एक्सचेंज प्रोसेस है और ह्यूमन एक्टिविटी है। मतलब हम आप जो डेली बेसिस पे मार्केट जाते हैं, सामान खरीदते बेचते हैं और कुछ पैसे मिलते हैं, हम में से बहुत सारे लोग बिजनेसमैन्स भी होंगे, है ना, तो बहुत सारे लोग जो मार्केटिंग की वजह से ही इस मार्केट से इन्वॉल्व हैं। दी मार्केट इन्वॉल्व मार्केटिंग और यू कैन से मार्केटिंग इन्वॉल्व मार्केट, तो दोनों चीज़ें एक ही बात है। आप बिना मार्केट के मार्केटिंग नहीं कर सकते और बिना मार्केटिंग के मार्केट में आपकी कोई जगह नहीं है, सिंपल सी बात है। बिना मार्केट के आप मार्केटिंग कर ही नहीं सकते और बिना मार्केटिंग के मार्केट में आपकी कोई जगह है ही नहीं, ये बहुत समझने वाली बात है। तो वही बात कोटलर ने 1980s में कही, 1980 में फिलिप कोटलर ने कहा था कि मार्केटिंग इज़ अ ह्यूमन एक्टिविटी डायरेक्टेड एट सेटिस्फाइंग ह्यूमन नीड एंड वांट थ्रू एंड एक्सचेंज प्रोसेस। जब हम एक्सचेंज प्रोसेस के थ्रू किसी भी ह्यूमन एक्टिविटी को एक्सचेंज प्रोसेस के थ्रू सेटिस्फाई करते हैं तो उसको हम मार्केटिंग बोलते हैं। मार्केटिंग इज़ अ सोशल मैनेजरियल प्रोसेस। क्या है मार्केटिंग? एक सोशल और मैनेजरियल प्रोसेस है बाय विच इंडिविजुअल एंड ग्रुप ऑब्टेन व्हाट दे वांट एंड नीड, जिससे कि जो ग्रुप ऑफ पीपल हैं वो अपनी नीड और वांट को ये बता सके कि वो एक्चुअली चाहते क्या हैं। ठीक है, ऑफरिंग द एक्सचेंजिंग प्रोड्यूस्ड ऑफ वैल्यू विच इज अदर्स। तो दो सिंपल सी बात, कोटलर ने फिर एक बार 1991 में एक और बात कही कि मार्केटिंग इज़ अ सोशल एंड मैनेजरियल प्रोसेस। मार्केटिंग क्या है? मार्केटिंग एक सामाजिक और प्रबंधकीय प्रक्रिया है बाय विच, जिसके द्वारा एन इंडिविजुअल और ग्रुप, एक कोई भी एक व्यक्ति और या व्यक्तियों का समूह ऑब्टेंड व्हाट दे वांट, उसके जरिए वो चीज़ें ले पाते हैं जिनकी उनको ज़रूरत है। क्रिएटिंग ऑफरिंग एंड एक्सचेंजिंग, वो इस प्रोसेस में क्या करते हैं, किसी को कुछ ऑफर करते हैं। ऑफरिंग का मतलब, जैसे हमने कहा कि मेरे पास एक पेन है और ये पेन आपको चाहिए क्या, ठीक है, दिस इज़ अ ऑफर, ठीक। और एक्सचेंजिंग मतलब हमने वो पेन अगर किसी को दे दी और उससे कुछ पैसे ले लिए, दैट इज़ अ प्रोसेस ऑफ एक्सचेंज। तो इस प्रोसेस में क्या हुआ, हमने किसी को कुछ ऑफर किया और बदले में उसने मुझे कुछ पैसे दे दिए और उसकी एक वैल्यू क्रिएट कर दी, राइट। तो मार्केटिंग में वैल्यू का बहुत महत्व है। किसी भी प्रोडक्ट को जब आप वैल्यू देंगे तो वो वैल्यू के हिसाब से ही अपनी खुद की कीमत लगाएगा। वैल्यू इज़ नथिंग बट ए प्राइस ऑफ ए पर्टिकुलर प्रोडक्ट। तो मार्केटिंग को कोटलर ने 1991 में क्या बताया, मार्केटिंग मैनेजरियल प्रोसेस है और सोशल प्रोसेस भी है जिसमें सारे लोग आपस में इन्वॉल्व होते हैं और इसी इन्वॉल्विंग की वजह से वो आपस में अपनी ज़रूरत को पूरा करते हैं। ज़रूरत को पूरा करने के लिए कोई चीज़, कोई व्यक्ति किसी को ऑफर करता है और कोई व्यक्ति किसी से कुछ पैसे उसके बदले में लेता है। तो यही होता है एक्सचेंज और नीड सेटिस्फेक्शन का प्रोसेस, ऑफरिंग का प्रोसेस। फिर क्या बात करी, इम्प्लीकेशंस ऑफ मार्केटिंग। सबसे बड़ी बात कि मार्केटिंग की किस किस चीज़ को ज़रूरत है, तो जो है हु आर योर एग्जिस्टिंग पोटेंशियल कस्टमर। अब यहाँ पे मार्केटिंग में कौन कौन सी चीज़ों की ज़रूरत है, तो वही बताया गया यहाँ पे कि सबसे पहले हमें जानना पड़ेगा कि हु इज़ आर एग्जिस्टिंग और पोटेंशियल कस्टमर।
अभी हमारे पास ज़रूरतमंद जो ग्राहक है वो क्या है, वो कौन है। एक्चुअली में अगर किसी को, अब यहाँ पे एक बहुत बहुत चीज़ अच्छे से एक चीज़ समझने लायक है कि हम किसी को कोई भी ऐसी चीज़ नहीं बेच सकते जिसको उसको ज़रूरत ही नहीं। अगर आपने कभी किसी के मुंह से ये बात सुनी हो कि किसी ने आपको कहा कि मार्केटर वो होता है जो किसी को भी बेवकूफ़ बना के कोई भी सामान बेच देता है, नहीं। जो कस्टमर होता है ना, कस्टमर इज़ अ वेरी स्मार्ट पर्सन, कस्टमर इज़ ए वेरी स्मार्ट पर्सन, और कस्टमर को कोई भी बेवकूफ़ नहीं बना सकता। आज का जो हमारा कस्टमर है, जो 21वीं सदी का कस्टमर है, वो बहुत होशियार है, उसको आप बेवकूफ़ बिल्कुल नहीं बना सकते। वह सारी चीज़ें देखता है, परखता है, ऑब्ज़र्व करता है, तो ही किसी चीज़ को ख़रीदने के लिए फ़ैसला करता है। तो सबसे पहली बात ये जानना है कि जो भी प्रोडक्ट हमारे पास है, वो चाहे एक लैपटॉप हो, चाहे एक कंप्यूटर हो, या एक मोबाइल फ़ोन हो। अब देखिए, मार्केट में इसी चीज़ के लिए अलग अलग टाइप के प्रोडक्ट हैं। जैसे एप्पल जो है, एप्पल का सेम फीचर फ़ोन जो आपको शाओमी ऑफर करेगा, हालांकि एप्पल इज़ अ बिग ब्रांड, तो जो उसी लेवल के और भी फ़ोन हैं वो सस्ते हैं, लेकिन एप्पल क्या है, एक ब्रांड होने की वजह से वो मार्केट में बहुत महंगा है। तो एप्पल की जो ब्रांडिंग है उसकी वजह से उसकी कीमत कुछ ज़्यादा है, तो उस कीमत को आप किसी को भी नहीं बेच सकते। वो एप्पल का फ़ोन आप किसी को भी नहीं बेच सकते। जिसको उस एप्पल की फ़ोन की रिक्वायरमेंट होगी वही वो फ़ोन खरीदेगा, सब लोग नहीं खरीदते। तो किसी भी दुकानदार के लिए, किसी भी कंपनी के लिए, किसी भी फर्म के लिए ये जानना बहुत ज़रूरी है कि हु आर और एग्जिस्टिंग और पोटेंशियल कस्टमर, हमारा कस्टमर है कौन एक्चुअली, ठीक है। अगली चीज़ जो मार्केटिंग में इम्प्लिकेशंस में आती है वो क्या है, व्हाट आर देयर करंट एंड फ्यूचर नीड। अब दूसरी चीज़ जो बात कही जाती है कि हमने ये तो पता लगा लिया कि हमारा एग्जिस्टिंग या पोटेंशियल कस्टमर कौन है, अब हमें ये पता लगाना है कि जो कस्टमर हमारे सामने है, जिस कस्टमर को हमें सामान बेचना है, उसको किस टाइप का प्रोडक्ट अभी चाहिए, करंट में चाहिए, और इन फ्यूचर उसकी क्या डिमांड होगी। अब ज़रा हम थोड़ा सा बैक चलते हैं, हम ज़रा सर्विस इंडस्ट्री में मोबाइल फ़ोन इंडस्ट्री की बात कर लेते हैं। मोबाइल फ़ोन इंडस्ट्री की जब हम बात करते हैं, उस टाइम पर आपको पता चलता होगा कि स्टार्टिंग में जब फ़ोन आया था, धीरे धीरे चीज की ज़रूरत पड़ती जाती है, तो लोगों को पहले इतना सिस्टम पता नहीं था, लोग इतनी सारी चीज़ें नहीं जानते थे, तो हमारे पास सिर्फ फीचर फ़ोन आते थे, उसमें आप कॉलिंग कर सकते थे, उसमें आप, अब क्या है, अब हाई क्वालिटी फ़ीचर फ़ोन आते हैं जिसमें आपके मल्टी फंक्शनल डिवाइस के साथ साथ मल्टी मीडिया डिवाइसेस और अब वीडियो कॉलिंग इनेबल भी फ़ोन आ गए हैं। तो कंपनीज़ ने क्या किया, कस्टमर की करंट नीड और फ्यूचर नीड को ऑब्ज़र्व किया, उस बेसिस पे धीरे धीरे कस्टमर के रिक्वायरमेंट के साथ, जब कस्टमर कहता है, पहले एक काम को करने के लिए एक चीज़ होती थी, अब क्या है, मल्टी फंक्शनिंग के लिए आपके पास आपका एक फ़ोन है। तो लोगों ने कहा कि भाई हमको कोई ऐसी चीज़ चाहिए जो हमारा टाइम वेस्ट ना करे। तो अब क्या है, पहले नॉर्मल इंटरनेट की स्पीड आती थी, फिर 2G आया, फिर 3G आया, अब 4G आया, आने वाले एक दो साल में 5G नेटवर्क का प्लान हो रहा है, राइट। तो इस तरह से कस्टमर की नीड जो है वो करंट टाइम और फ्यूचर टाइम के हिसाब से चेंज हो रही है, कस्टमर की ज़रूरतें अलग अलग हो रही हैं, राइट। तो उसके वजह से आपको कस्टमर की नीड, जो करंट की नीड है और जो फ्यूचर के कस्टमर की नीड है, उन दोनों नीड्स को आपको पहले समझना होगा। तो हमने दो चीज़ें कर ली, हमने क्या कर लिया, अपने कस्टमर को आइडेंटिफाई कर लिया कि हु इज़ आर एग्जिस्टिंग, कि हमारा अभी कस्टमर कौन है और फ्यूचर में कौन हमारा कस्टमर बनेगा, और दूसरी चीज़ हमने क्या देख ली कि व्हाट आर देयर करंट और फ्यूचर नीड, हमारी आज की नीड क्या है और आने वाले फ्यूचर में हमारे कस्टमर की नीड क्या हो सकती है, राइट। तो कस्टमर की हमारे करंट की नीड क्या है, फ्यूचर की नीड क्या है, ये भी हमने जान लिया। अब जो तीसरी बात जो है वो इम्प्लीकेशन में, मार्केटिंग क्या इम्प्लीकेशंस होते हैं, कहते हैं हाउ कैन वी सेटिस्फाई दोज नीड्स। अब हम एज ए प्रोड्यूसर, एज ए मार्केटर, उन नीड्स को कैसे सेटिस्फाई कर सकते हैं,
भाई हमें पता चल गया कि हमारा आज का कस्टमर कौन है, आने वाले टाइम का कस्टमर कौन होगा। हमें ये पता चल गया कि उस कस्टमर के आज की नीड क्या है और इन फ्यूचर उसको क्या डिमांड हो सकती है। अब हमारा क्या दायित्व तो बनता है, हम एज अ मार्केटर क्या सोचेंगे कि हाउ कैन बी सेटिस्फाई दोज नीड्स, हम उस कस्टमर की नीड्स को सेटिस्फाई कैसे करें। तो इसमें क्या क्या बातें कही गई, कैन बी ऑफर अ प्रोडक्ट सर्विस दैट द कस्टमर वुड वैल्यू। अब यहाँ पे सोचने वाली बात है कि क्या हम, यानी एज अ मार्केटर, क्या हम कस्टमर की किसी भी नीड को सेटिस्फाई कर सकते हैं और उस वो जिस तरह का प्रोडक्ट डिमांड कर रहा है क्या उस तरह का प्रोडक्ट हम बना सकते हैं। अगली जो बात हम सोच रहे हैं वो क्या है कि कैन बी कम्युनिकेट विद आर कस्टमर, क्या हम अपने कस्टमर से बात कर सकते हैं, क्या हम अपने कस्टमर से फ़ोन पे किसी मैसेजिंग के थ्रू या किसी ईमेल के थ्रू अपने कस्टमर से बात कर सकते हैं। अगली चीज़, कैन बी डिलीवर ए कॉम्पिटिटिव प्रोडक्ट ऑफ सर्विस। अब यहाँ पे बहुत सोचने वाली बात ये है कि क्या हम कस्टमर की नीड को सेटिस्फाई कर सकते हैं, क्या हम कस्टमर से कम्युनिकेट कर सकते हैं, क्या हम कस्टमर से बात कर सकते हैं, और फिर क्या कहते हैं कि क्या हम इस कॉम्पिटिशन के टाइम पे एक ऐसा प्रोडक्ट और सर्विस दे सकते हैं कस्टमर को जिस जो उसकी सारी नीड पूरी कर दे। ये तीन चीज़ें किसी भी मार्केटर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हैं और ये जो तीन चीज़ें हैं ये अलग अलग स्टेज पे अलग अलग मार्केटर और प्रोड्यूसर के लिए काम आती हैं। इस बारे में हम धीरे धीरे जब मार्केटिंग और पढ़ते जाएंगे तो हम और समझते जाएंगे और ज़्यादा अच्छे तरीके से इसको समझ पाएंगे। जो अगला इम्प्लीकेशन होता है वो क्या कहता है, वाई शुड कस्टमर बाई फ्रॉम अस। अब सोचने वाली बात ये है कि कुछ तो ऐसा होगा, अब यहाँ पे क्वालिटी की बात हो रही है कि कुछ तो ऐसा होगा जिसकी वजह से कस्टमर सिर्फ हमारा प्रोडक्ट ही बाय करे। अब कुछ भी हो सकता है, या तो हमारे प्रोडक्ट की क्वालिटी एकदम मस्त हो, एकदम अच्छी हो, और हमारे प्रोडक्ट का जो प्राइस है वो बहुत अच्छा हो, वो इतना ना हो जितना कि दूसरे लोग बेच रहे हैं। तो दोनों चीज़ें हैं, तो दोनों चीज़ों को सेटिस्फाई करने के लिए वाई शुड आर कस्टमर बाई फ्रॉम अस, कोई भी कस्टमर अपना प्रोडक्ट हम ही से बाय क्यों करेगा, सोचने वाली बात है। तो यहाँ पे जो मार्केटर होता है ना वो इन सारी चीज़ों पर गौर करता है, उसके बाद ही कोई डिसीजन लेता है। तो मार्केटिंग कॉन्सेप्ट क्या कहते हैं, मार्केटिंग कॉन्सेप्ट जो है, जो मार्केटिंग के बेसिकली कॉन्सेप्ट है, चूजिंग एंड टारगेटिंग दी एप्रोप्रिएट कस्टमर। वही बात कि चूजिंग एंड टारगेटिंग दी अप्रोप्रिएट कस्टमर, जो कस्टमर है उसको हम कैसे चूज़ करेंगे, हमारा टारगेट कस्टमर क्या कौन होगा, हम जो प्रोडक्ट हम बना रहे हैं, जो प्रोडक्ट हम बेचना चाहते हैं, उसके लिए हम किस कस्टमर के पास जाएंगे उस प्रोडक्ट को लेके। फिर अगली बात क्या है, पोजिशनिंग योर ऑफरिंग। पोजिशनिंग का मतलब हम समझेंगे जब और आगे बढ़ेंगे तो पोजिशनिंग समझेंगे। बहरहाल यहाँ पे आपको मैं पोजिशनिंग के बारे में ये बता देता हूँ कि पोजिशनिंग इज़ नथिंग बट ए काइंड ऑफ ऑफरिंग। जब किसी को आप कोई प्रोडक्ट उसके दिमाग में भर देते हैं, जैसे पतंजलि ने अपने प्रोडक्ट की पोजिशनिंग कैसे की, पतंजलि ने गाय के घी के नाम पर अपने देसी घी की पोजिशनिंग की, आयुर्वेद के टूथपेस्ट के नाम पे अपने दंत कांति टूथपेस्ट की पोजिशनिंग की, राइट। तो वो जो पोजिशनिंग का तरीका है कि कस्टमर के दिमाग में भर देना कि ये प्रोडक्ट आपके लिए बेस्ट है, ठीक है। तो पोजिशनिंग में यही किया जाता है, इंटरैक्टिंग विद दोज कस्टमर्स। अब जो भी हमारा टारगेटेड कस्टमर है उनके साथ हम इंटरैक्ट कैसे करेंगे, बातचीत कैसे करेंगे, उनको हम फेस टू फेस इंटरेक्शन कैसे करेंगे, राइट। किसी एडवर्टीजमेंट के थ्रू करेंगे या प्रमोशंस के थ्रू करेंगे या हम कोई कैंपेन करेंगे, ये कंपनियां सोचती हैं कि, तो मार्केटिंग के कॉन्सेप्ट में सारी चीज़ें इंक्लूड होती हैं। फिर कंट्रोलिंग दी मार्केटिंग एफर्ट। अब मार्केटिंग में जो हम एफर्ट लगा रहे हैं क्या हमारा एफर्ट सफल होगा,
जो हम मार्केटिंग में एफर्ट लगा रहे हैं उन एफर्ट के बेसिस पे क्या हम अपना प्रोडक्ट बेच पाएंगे, तो हमारा जो एफर्ट है वो बहुत पॉजिटिव होना चाहिए। सबसे पहली बात, हमें अपने कस्टमर को क्वालिटी के बेसिस पे, है ना, प्राइस के बेसिस पे, कस्टमर के नीड के बेसिस पे, इन सब बेसिस पे मार्केट को कंट्रोल करना ही पड़ेगा। कस्टमर जो प्रोडक्ट चाहता है उस नीड के अगेंस्ट हम जाके कोई भी प्रोडक्ट की ना तो पोजीशनिंग कर सकते हैं, ना ही हम उस मार्केट सिचुएशन को कंट्रोल कर पाएंगे जिस सिचुएशन में हमारा प्रोडक्ट बिक रहा है। क्योंकि अगर हम कंट्रोल करने की कोशिश करेंगे तो डेफिनेट सी बात है हमारा कस्टमर किसी और के पास चला जाएगा। फिर यहाँ पे बोलते हैं कंटिन्यूटी ऑफ परफॉर्मेंस। अब यहाँ पे कंटिन्यूटी ऑफ परफॉर्मेंस की बात जो की गई कि जो प्रोडक्ट आपने एक बार मार्केट में उतार दिया, ठीक है, मार्केट में अब वो बिक रहा है, लेकिन धीरे धीरे जब कस्टमर ने उसको यूज़ करना शुरू किया, पहली बार यूज़ किया तो ठीक था, दूसरी बार यूज़ किया तो थोड़ा सा बेकार हो गया, तीसरी बार यूज़ किया तो थोड़ा सा और बेकार हो गया, है ना। तो जब कस्टमर का एक्सपीरियंस ख़राब होने लगेगा तो वो क्या करेगा, आपके प्रोडक्ट से उठ के दूसरे के प्रोडक्ट पे ट्रांसफ़र हो जाएगा, है ना। तो इस चीज़ को हमें क्या करना है, कंटिन्यू रखना है कि भाई हमारा प्रोडक्ट का जो क्वालिटी है वो ख़राब नहीं होने देना। अगर हमने कस्टमर के दिमाग में एक इमेज बना दी, अगर हमने कस्टमर के दिमाग में एक पोजिशनिंग कर दी कि हमारा कस्टमर जो है वो किसी भी प्रोडक्ट को खरीदेगा, वो सेटिस्फाई रहेगा, तो हमें उससे पीछे नहीं हटना है, राइट। किसी भी सक्सेसफुल मार्केटिंग की कुछ रिक्वायरमेंट्स होती हैं, वो क्या हो, क्या क्या चीज़ें होती हैं। सबसे पहली चीज़ जो यहाँ पे लिखी गई, प्रॉफिटेबिलिटी, ठीक है, प्रॉफिटेबल होना चाहिए। अब वो प्रॉफिटेबल किस टर्म्स में होना चाहिए, मॉनिटरी टर्म्स में नहीं, मॉनिटरी टर्म्स में नहीं होगा वो प्रॉफिटेबिलिटी। किस टर्म्स में होगी वो, नंबर ऑफ प्रोडक्ट सेल के टर्म्स में होगी। जितना ज़्यादा आप प्रोडक्ट बेचेंगे उतना ज़्यादा आप प्रॉफिट अर्न करते जाएंगे। और कोई भी प्रोडक्ट अगर मार्केट में सीधा चला आए और बहुत हाई रेट पे बिकने लगे तो उसकी भी एक प्राइसिंग स्ट्रेटजी होती है, उस बारे में हम आगे बात करेंगे। तो अभी जो मेनली प्रॉफिटेबिलिटी का कंसर्न है, प्रॉफिटेबल का कंसर्न है, वो यही है कि हमें नंबर ऑफ़ प्रोडक्ट ज़्यादा मार्केट में बेचने हैं, तभी हमारी मार्केटिंग का जो गोल है वो पूरा होगा। कहते हैं ऑफेंसिव होना चाहिए रादर देन डिफेंसिव। अब ऑफेंसिव और डिफेंसिव क्या चीज़ें हैं यहाँ पे, ऑफेंसिव और डिफेंसिव का मतलब ये है कि हम जो प्रोडक्ट मार्केट में लेके जा रहे हैं उस प्रोडक्ट के बेसिस पे हमें कस्टमर के आगे हमेशा क्या करना है, कुछ नए बाउंस बैक करते रहने हैं, बाउंस बैक कर बाउंसर फेंकते रहने हैं। बाउंसर फेंकने का मतलब, कभी हमने कुछ ऑफ़र दे दिया, कभी हमने कस्टमर को रिझाने के लिए कुछ प्राइस पे डिस्काउंट दे दिया, कभी हमने कुछ कर दिया, तो इस तरह की कुछ चीज़ें हमें करके ऑफेंसिव उसे अटैक देना है। कस्टमर को हमें कभी डिफेंसिव अटैक नहीं देना, राइट। फिर इंटीग्रेटेड का मतलब ये है कि हमें कस्टमर के साथ हमेशा इंटीग्रेशन बनाए रखना है, कभी भी उससे इंटरेक्शन तोड़ना नहीं है। ज़रूरत पड़े तो कस्टमर का फीडबैक लीजिए, कभी भी कस्टमर को ऐसे छोड़िए मत, है ना। फिर बात करते हैं स्ट्रैटेजिक इन नेचर। अब स्ट्रैटेजिक इन नेचर की बात करते हैं तो स्ट्रैटेजी हमेशा हमारी कंटिन्यू होनी चाहिए, वो चाहे हमारा एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट हो जो मार्केट में पहले से बिक रहा हो, या आने वाले टाइम पे हमें उसे मार्केट में बेचना हो, उन दोनों प्रोडक्ट्स के लिए हमारा जो स्ट्रैटेजी है वो कांस्टेंट स्ट्रैटेजी नहीं होनी चाहिए, वो फ्लेक्सिबल स्ट्रैटेजी होनी चाहिए रिक्वायरमेंट्स के हिसाब से, जिससे कि हम अपने स्ट्रैटेजीज़ को बदल सकें। ज़रूरत पड़ने पर हम अपने प्रोडक्ट को अच्छा बनाने के लिए स्ट्रैटेजी अवेल कर सकें, ठीक है। फिर इफ़ेक्टिव रिज़ल्ट ओरिएंटेशन होना चाहिए, इफ़ेक्टिव रिज़ल्ट हमें लाना ही होगा। अगर हम इफ़ेक्टिव रिज़ल्ट नहीं ला पाएंगे तो हमारा कस्टमर क्या होगा, दूसरे के पास चला जाएगा, और हमारा जो ओवरऑल प्रॉफिट है वो क्या होगा, कम हो जाएगा। तो ये दोनों चीज़ें हमें समझना बहुत ज़रूरी है। तो जो भी मार्केटर होगा, जो भी प्रोड्यूसर होगा, वो एग्जिस्टिंग मार्केटिंग रिक्वायरमेंट्स को ज़रूर पूरा करेगा, बिना इनके वो ये सब नहीं कर सकता। अब मार्केटिंग मैनेजमेंट के कुछ प्रोसेस यहाँ पे दिए गए हैं,
वो कहा गया एनालिसिस एंड ऑडिट। एनालिसिस एंड ऑडिट में ये कहते हैं कि वेयर आर वी नाउ, है ना। एनालिसिस और ऑडिट में क्या हम करते हैं मार्केटिंग प्रोसेस में, उसमें हम करते हैं कि हम अभी कहाँ हैं। जहाँ हम देखिए, कोई भी कंपनी जब कोई भी प्रोडक्ट मार्केट में निकालती है तो वो अपना एक टारगेट बनाती है, राइट, कि हमें इस टाइम तक अपने प्रोडक्ट की इतनी यूनिट्स, इतनी इकाइयाँ मार्केट में बेच देनी है। अब कभी कभी वो सफल भी हो जाती है, कभी कभी वो अपने टारगेट से एक्सीड भी कर जाती है, वो कभी कभी अपने टारगेट से कम भी बेच पाती है। तो जो ऑडिट होता है, जो एनालिसिस होता है, वो बताता है कि अभी हम कहाँ हैं। जैसे अकाउंटिंग में आपने ऑडिटिंग पढ़ा होगा, तो ऑडिटर का क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी होता है? ऑडिटर की रिस्पॉन्सिबिलिटी ये होती है कि वो बुक्स ऑफ अकाउंट्स को केयरफुली एग्जामिन करे, और उसके बाद ही कंपनी अपना फाइनल फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो है वो पेपर में गजट करती है एट द एंड ऑफ द फाइनेंशियल ईयर। तो उसी तरह से यहाँ पे क्या होता है, एनालिसिस एंड ऑडिट में क्या होता है, कंपनी ये जानना चाहती है कि एक्चुअली में हम कहाँ हैं, अभी हमने कितनी यूनिट बनाई, कितने मार्केट में बिकी, और हमारा टारगेट कितना था। ऑब्जेक्टिव्स भी होते हैं, वेयर डू वी वॉन्ट टू बी। अब हमारा ऑब्जेक्टिव भी देखना पड़ेगा कि हमें कहाँ होना है, क्या हमने डिसाइड किया था और कहाँ अभी हम कहाँ पे हैं। ऑब्जेक्टिव क्या है हमारा, हमें कितनी यूनिट्स बेचनी है, हमें कस्टमर को कितना सेटिस्फाई करना है, कस्टमर की नीड्स को कैसे हम और सेटिस्फाई कर सकते हैं, हमें कितना प्रॉफिट अर्न करना है, ये सब एक अल्टीमेट ऑब्जेक्ट होता है किसी भी मार्केटिंग का। तो स्ट्रेटजीज, विच वे इज़ बेस्ट। अब यहाँ पे स्ट्रेटजीज में हम क्या करते हैं कि ऐसा कौन सा तरीका है जिससे कि हम अपने कस्टमर को सेटिस्फाई कर सकें, ऐसा कौन सा तरीका है जिससे हमारा प्रोडक्ट मार्केट में और अच्छी तरह से बिक सके। टैक्टिक्स में क्या करते हैं हम, हाउ डू वी गेट देयर, कि हमें जहाँ पे पहुँचना था वहाँ तक हम कैसे पहुँचेंगे। जितनी हमारी नीड थी, जितना हम बेचना चाहते थे, जितना हम प्रोडक्ट मार्केट में लाना चाहते थे, वहाँ तक हम कहाँ कैसे पहुँचेंगे। इम्प्लीमेंटेशन, गेटिंग देयर, अब अगर कोई दिक्कत है वहाँ तक पहुँचने में, उस टारगेट को अचीव करने में, तो हम क्या करेंगे, कुछ नए आइडियाज़ को इम्प्लीमेंट करेंगे, और उन आइडियाज़ के बेसिस पे हम उन कस्टमर को सेटिस्फाई कर सकेंगे और अपने नीड और अपने कस्टमर की नीड दोनों को पूरा कर सकें। हमारी नीड क्या है, टू अर्न दी मैक्सिमम प्रॉफिट बाई सेलिंग दी प्रोडक्ट, और कस्टमर की नीड क्या है कि हम कस्टमर को अपनी नीड सेटिस्फाई करनी है। ये दो चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है। कंट्रोल तो सारी सिचुएशन को ही करना पड़ेगा, एग्जिस्टिंग अराइवल हो या इंश्योरिंग अराइवल हो, दोनों चीज़ें कंट्रोल करनी ही पड़ेंगी। मार्केटिंग प्लानिंग नेसेसरी क्यों है? अब देखिए, प्लानिंग हम सबसे पहले समझना पड़ेगा कि प्लानिंग है क्या। तो गाइस, प्लानिंग इज नथिंग। हमें जो फ्यूचर में करना है, वॉट एवर द थिंग्स वी यूज टू डू इन फ्यूचर, वी नीड टू एक्ट ए प्रॉपर स्ट्रैटेजी बिफोर डूइंग दैट। अगर हमें कुछ करना है, मान लीजिए कल हमें पिकनिक पे जाना है, तो आज ही या दो दिन पहले से हम प्लान करते हैं ना कि कौन सी गाड़ी से जाएंगे, कितने लोग जाएंगे। उसी तरह से वो जो प्री ऑर्गेनाइजिंग प्रोसेस होता है, किसी भी चीज़ को ऑर्गेनाइज करने से पहले जो प्री डिसीजन मेकिंग होती है, जो हम पहले से डिसाइड करते हैं कि हमें ऐसे ऐसे करना है, वो चीज़ प्लानिंग कही जाती है। तो किसी भी चीज़ को प्लानिंग की बहुत ज़रूरत होती है। उसी तरह से प्लानिंग मार्केटिंग के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो सिस्टमेटिक फ्यूचरिस्टिक थिंकिंग बाई मैनेजमेंट, डेफिनेट सी बात है, सिस्टमेटिक फ्यूचरिस्टिक थिंकिंग होगी किसी भी मैनेजमेंट की, मार्केटिंग फर्म की, तो वो प्लानिंग करेगा, और अपने प्लानिंग के बेसिस पे ही, बिना प्लानिंग के आप कोई प्लान एग्जीक्यूट नहीं कर सकते, यू नो, कोई चीज़ हम आप कर भी नहीं सकते। तो उस चीज़ के लिए प्लानिंग करना बहुत इम्पॉर्टेंट है। कोऑर्डिनेशन बनाना है कंपनीज के साथ, एफर्ट्स लगाना है। तो प्लानिंग आप जब तक नहीं करेंगे, तब तक आप किसी के साथ कोऑर्डिनेट भी नहीं कर पाएंगे, और अपने एफर्ट्स को दुगना करके लगा भी नहीं पाएंगे। तो डेवलपमेंट ऑफ परफॉर्मेंस को, परफॉर्मेंस डेवलप करने के लिए भी प्लानिंग बहुत इम्पॉर्टेंट है, है ना। शार्प बनाने के लिए भी प्लानिंग बहुत इम्पॉर्टेंट है, और बेटर यू नो प्रॉपर एंड सडन डेवलपमेंट, किसी चीज़ को हम डेवलप करना चाहते हो तो उस चीज़ के लिए भी प्लानिंग बहुत इम्पॉर्टेंट है।
तो गाइस आज के हमारे सेशन में हमने मार्केटिंग की बात की, कुछ डेफिनेशंस की बात की, हमने जाना कि मार्केटिंग क्या का बेसिक मतलब क्या है, एक बेसिक थिंकिंग मार्केटिंग की क्या कह सकती है, मार्केटिंग के एसेंशियल्स क्या हैं, मार्केटिंग बेसिकली क्या रिक्वायरमेंट हैं और प्लानिंग मार्केटिंग में प्लानिंग क्यों की जाती है, ये हमने डिसाइड किया। अगर आपको सेशन पसंद आया हो तो लाइक और कमेंट तो बनता है, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू सो मच।